पिछले कुछ हफ्तों से टमाटर के दाम में लगातार गिरावट जारी है। कीमत इतनी कम हो गई है कि किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दाम गिर जाने से किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हाल ही में जारी हुई सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टमाटर की कीमतों में पिछले महीने के मुकाबले 29% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन किसान परेशान हो गए हैं। बरसात के कारण उन्हें अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले महीने की बात करें तो टमाटर का खुदरा मूल्य 50 से 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था, जबकि अब टमाटर 35 से 48 रुपये प्रति किलो तक आ गया है। टमाटर के दाम में एकदम से गिरावट आने से देश भर के किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार टमाटर का भी समर्थन मूल्य घोषित करे, ताकि नुकसान से बचा जा सके। हर सीजन में किसानों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की रवाई घाटी में टमाटर की खेती की जाती है। जिले के नौगांव और पुरोला ब्लॉक में करीब 12,000 मीट्रिक टन टमाटर का उत्पादन होता है। क्षेत्र के दर्जनों गाँव के करीब 80% किसान टमाटर का उत्पादन करते हैं और इसी से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। दाम गिरने से उनकी आमदनी पर बुरा असर पड़ा है और उन्हें परिवार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के किसानों ने जून के अंतिम महीने में टमाटर को देहरादून, विकास नगर और रुड़की की मंडियों में भेजना शुरू किया था। उस वक्त किसानों को 35 से 40 रुपए प्रति किलो मुनाफा हो रहा था, लेकिन अचानक मंडियों में भाव गिरना शुरू हो गया। अब किसानों को सिर्फ 3 से 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुनाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि बरसात शुरू होने के बाद से मंडियों में टमाटर की आवक काफ़ी बढ़ गई है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। क्षेत्र के किसान बताते हैं कि 35 किलो की एक कैरेट पर मंडी तक ट्रक का भाड़ा, लोडिंग अनलोडिंग और आंटियों पर करीब करीब 130 से 150 रुपए तक का खर्च आता है। इसके अलावा खाद, बीज, कीटनाशक और किसान की मेहनत भी है। और वहीं दाम गिर जाने से अपनी लागत निकालना भी किसानों के लिए मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि सरकार को कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए, ताकि हर साल ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। वहीं देवराना घाटी फल सब्जी उत्पादक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, मंडियों में टमाटर के भाव गिरने से कई किसान लागत भी वसूल नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को टमाटर का समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।